हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल मेसी के पन वन फाइव इलस्ट्रेटर। आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि मैंने एमी वेबनटाई का आर्टवर्क कैसे बनाया था, जो कि बहुत ही पावर आर्टवर्क है। एकदम पूरा प्रॉपर तरीके से आपको सिखाऊंगा और पूरा ट्यूटोरियल वीडियो है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। और वीडियो शुरू करने से पहले जिसने मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया होगा तो फटाफट से जाके फॉलो कर लो। ये सामने आपको QR आ रहा होगा, इसको स्कैन करो और फॉलो कर लो। तो ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से हमारी स्क्रीन पर चलेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रेस करके इमेज ले लेते हैं और इमेज को अपनी मतलब से क्रॉप कर लेते हैं। तो मैं स्क्वायर रेशियो सिलेक्ट करता हूँ इमेज मतलब बनाने के लिए, फ़ोटो वगैरह बनाने के लिए, तो स्क्वायर में सिलेक्ट करता हूँ। आप भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है और अभी हम लोग आउटलाइन करेंगे। तो आउटलाइन के लिए हम लासो ब्रश और लेज़ी टूल यूज़ करेंगे और उसका इलास्टिक वाला ऑप्शन ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ नहीं करेंगे, मतलब वो रहने देंगे ऑन। तो देख लो, मैं जैसे कर रहा हूँ अभी, आउटलाइन को आपको एकदम प्रॉपर तरीके से करना है। आउटलाइन को ज़्यादा टाइम दो तो उसमें ज़्यादा डिटेलिंग आएगी और मतलब ज़्यादा, मतलब जितना अच्छे से आप आउटलाइन करोगे ना तो तब ही अच्छा लगेगा आपको। तो मतलब मेरे को तो ज़्यादातर आउटलाइन में ही टाइम लगता है, तो आउटलाइन को बेस्ट से बेस्ट टाइम दो। और ज़्यादा टाइम मतलब इसको भी नहीं लगता है, वो फेस कलर वगैरह करते हैं हम, उसको भी इतना टाइम नहीं लगता है, पर आउटलाइन को ज़्यादा लगता है। तो आउटलाइन अच्छे से करो। तो देख लो, मैं भी कर रहा हूँ अभी। तो कोई भी कलर रहो हेयर वगैरह को, आपको सबसे पहले ब्लैक कलर एकदम बेस कलर लेना है। तो फर्स्ट लेयर पे आपको बेस कलर ब्लैक कलर लेके आउटलाइन करना है। तो देखो, जैसे मैं कर रहा हूँ आपको भी सेम वैसा ही करना है। कोई भी पिक रहे तो आपको सेम ऐसा ही ब्लैक कलर की आउटलाइन करनी है। देख लो, मैं जैसे कर रहा हूँ अभी, तो इधर भी देख लो जो फिनिशिंग वगैरह रहती है, कैसे देनी क्या देनी वो भी देख लो कैसे दे रहा हूँ मैं। आपको भी इसी तरह करना है। ज़्यादा मतलब ऐसा घाई वाला काम मत करो, आराम से थोड़ा टाइम दो। टाइम लगेगा, 1 घंटा 2 घंटा टाइम लगेगा, बट अच्छा होगा, एकदम क्वालिटी वर्क होगा। तो अपन एकदम क्वालिटी वर्क करते हैं तो क्वालिटी वर्क के लिए फिर थोड़ा टाइम तो देना पड़ता है। तो अभी देख लो, मैंने टाइम वैसा देकर अभी ऊपर का तो हो गया है लगभग, तो अभी थोड़ा नीचे आते और हेयर्स बाकी थोड़े और, तो वो भी कंप्लीट कर लेते, तो फटाफट से कंप्लीट करते अभी। देख लो, मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है, आपको बस समझाने के लिए मैंने बता रहा हूँ कि आउटलाइन कैसे करना है। आपको एक आइडिया आएगा कि आपको आउटलाइन कैसा करना है। जैसा मैं कर रहा हूँ ना, आपको भी सेम वैसे ही करना है। मतलब आप थोड़ा ट्रिक, मैं जैसा यूज़ कर रहा हूँ, मैं जैसे आउटलाइन कर रहा हूँ, आपको भी सेम वैसे ही ट्रिक थोड़ा आजमाना है, तो आपके पिक में भी वैसा ही थोड़ा लुक आएगा, ठीक है। तो अभी देख लो, मेरे को एकदम प्रॉपर क्लियर पिक नहीं है, थोड़ा ब्लर पिक है, तो फिर भी हमको थोड़ा सा हमारे मतलब से आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, तो उस तरीके से करना है। तो ये देख लो, ये देखो मैंने भी इधर भी कर दिया है। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और कवर अप दे दिया है उसको। तो ये देख लो, अभी इधर भी मूछों के तरफ भी सही से कर देना है। मैंने तो उधर हाफ ही किया, अभी और करूँगा आगे से, मतलब आगे करूँगा और देखो वीडियो। तो ये देख लो, इधर भी मेरे को साफ साफ नहीं दिख रहा है कि हेयर कहाँ पर है, कहाँ पर है कहाँ नहीं। तो फिर भी मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, बस जो मतलब इमेजिन करके कर रहा हूँ कि इधर हेयर हो सकते हैं, तो मैं उधर कर दे रहा हूँ बॉर्डर। तो आपको भी ऐसे ही करना है, मतलब थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना है कि हेयर कहाँ पर हो सकते हैं कहाँ पर नहीं। और बहुत ज़्यादा ईजी है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते हो तो हर कोई चीज़ कर सकते हो आप। तो ये देख लो, मैंने इधर का भी कर दिया है। ये शुरुआत में आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि ये क्या बन रहा है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, बट आप करते जाओ, आपको थोड़ा टाइम लगेगा पर एकदम बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे आपको। तो ये देख लो, इधर भी मैं कर देता हूँ ऐसे आउटलाइन। तो ये जहाँ जहाँ डार्क लगे ना तो वहाँ पर ऐसा कर देना है। क्लोथ्स पे देख लो, ज़्यादा भी एकदम डार्क मत कर दो, जहाँ पर डार्क लग रहा है सिर्फ उधर ही करो। देखो मैं जैसे कर रहा हूँ, जहाँ पर मुझे डार्क लग रहा है मैं सिर्फ वहीं पर डार्क कर रहा हूँ। देख लो जैसे मैं कर रहा हूँ, आपको भी सेम वैसा ही करना है। ज़्यादा डार्क करोगे ना तो आपका पिक फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देख लो, इधर भी थोड़ा सा ऐसा डार्क लग रहा था मुझे, तो मैंने कर दिया इधर भी डार्क।
आपको भी सेम ऐसा ही करना है आपके पिक में, कोई भी पिक रहे कोई भी, उसमें ज़्यादा डार्क भी मत करो, ज़्यादा लाइट भी मत करो, एकदम नॉर्मल जैसा करते हैं, मतलब जैसा दिख रहा है आपको कि यहाँ पर डार्क है तो डार्क करो, अगर नहीं दिख रहा है तो मत करो, वो अच्छा नहीं लगता है फिर। ये देख लो इधर भी थोड़ा डार्क है तो मैं ये कर लेता हूँ फटाफट से, ये देख लो। तो यहाँ पर भी थोड़े, ये देखो जो मैं लाइन वगैरह ड्रॉ कर रहा हूँ ना छोटी छोटी, ये डिटेल होती है, तो अगर आप इनको मिस कर दोगे, अगर आप बोलोगे कि ये क्या छोटी मोटी चीज़ इसको स्किप कर दो और दूसरी चीज़ें बनाते हैं बड़े बड़े चीज़ें, तो वैसा नहीं होता है। जितने आप बारीक से बारीक डिटेल दोगे ना, मतलब ऐसा छोटा से छोटा डिटेल दोगे ना, तो आपका पिक उतना ही बेस्ट क्वालिटी का दिखेगा एकदम, मतलब छोटी से छोटी डिटेलिंग दिखेंगी उसमें, तो वो डिटेल वर्क रहता है एकदम प्रॉपर तरीके से दिखता है। तो ये देख लो इधर भी, अभी मैं मूंछों को भी कर देता हूँ हेयर, इधर तो कुछ भी नहीं दिख रहा था मुझे, कुछ भी नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं अपने दिमाग लगाकर अपने तरीके से कर रहा हूँ, तो आपको भी ऐसे ही थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। ये देख लो मैंने कर दिया है, यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा था मुझे, मुझे दूध भी नहीं दिख रहे थे, तो मैंने वहाँ पर भी अपने दिमाग से ही किया है। देख लो कुछ दिख रहा है क्या, आप ही खुद देख लो, नहीं दिख रहा है, फिर जो मैंने अपने दिमाग से ही किया तो आपको भी ऐसे ही करना है। अभी यहाँ से भी देख लो थोड़ा सा रह गया था, तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग करते अभी। और आउटलाइन करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको ओपेसिटी फुल रखना है, मतलब ऐसा जैसा ओपेसिटी मैंने रखा है ना पूरा डार्क दिखे, वो एक बार चेक कर लेना, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है कि कम ओपेसिटी रह जाती है। और ऐसे देखो मैं अभी जो लाइनिंग दे रहा हूँ ना, तो वो आपको टैपर्ड ब्रश से देनी है, टैपर्ड ब्रश, और थोड़ा सा उसका साइज़ कम कर लो। बहुत लोग पूछते हैं कि उसकी सेटिंग क्या है क्या नहीं है, तो कुछ कुछ इतना सेटिंग नहीं उसका, उसका खाली इतना है कि आप जब उसको चूज़ करोगे वो टैपर्ड ब्रश को, तो खाली उसकी उसकी साइज़ कम करना, और बाकी बस और कुछ मत करना उसका, बाकी एकदम प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, आपको कुछ सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं उसकी, वो खाली उसकी साइज़ कम ज़्यादा करो जैसे आपको चाहिए वैसे बस। तो ये देख लो मैं सनग्लासेस को भी कर देता हूँ, इधर भी कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, फिर भी मैं कर रहा हूँ, तो आपको भी ऐसे ही करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको भी अपना वाला। तो ये देख लो मैं कर लेता हूँ इधर से, तो ये ग्लासेस सनग्लासेस देख लो, बहुत लोग पूछते हैं कि सनग्लासेस कैसे ड्रॉ करें, जम नहीं रहे क्या नहीं है, तो ये देख लो गाइस एकदम प्रॉपर तरीके से ड्रॉ किया है मैंने एकदम, मतलब आप लोगों के लिए, मैं ज़्यादा एकदम प्रोफेशनल भी नहीं हूँ और ज़्यादा एकदम बिगनर भी नहीं हूँ, मैं जो सिखाता हूँ, मैं जो आर्ट वर्क करता हूँ वही मैं आपको सिखाता हूँ। और मेरे वीडियो इसलिए लेट आते हैं क्योंकि मैं, मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी आपको दिखाऊँ, मैं मेरा कभी कभी आर्ट वर्क ख़राब भी होता है तो वो मैं नहीं दिखा पाता हूँ, तो मैं सिर्फ आपको बेस्ट से बेस्ट आर्ट वर्क ही दिखाना चाहता हूँ, जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीखो, मतलब मैं जो अच्छे से सीख रहा हूँ ना वो आप सीखो, कुछ भी मतलब कुछ भी मैं दिखाने को तो कुछ भी दिखा सकता हूँ, पर वैसा नहीं चलेगा ना, आपने सीखना काम है, आप मतलब आपको सीखने आना चाहिए, वो मेन चीज़ है। तो ये देख लो मैं इधर सनग्लासेस के अंदर भी आपको जो आई वगैरह ड्रॉ करनी, ये हर इसमें नहीं ड्रॉ करना है, जिसमें आपको जिसमें सनग्लासेस के बीच की जो लेंस होती है वो अगर उसकी ओपेसिटी थोड़ी कम है और अंदर से आई दिख रही है तो ही करना, नहीं तो मत करना, नहीं तो पूरा ब्लैक कर देना, ठीक है। तो ये देख लो मेरे इसमें तो दिख रही थी तो मैंने वहाँ कर दिया है, और आपके इसमें भी अगर दिख रहा होगा तो आप ऐसा जैसा मैंने बताया अभी वैसा आप कर सकते हो, या तो फिर डायरेक्ट ब्लैक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक करके उसको वाइट कलर के ऑपोसिटी से थोड़ा सा उसको शेड दे देना। बाकी ये देख लो मैंने सनग्लासेस भी ड्रॉ कर लिए, अच्छे से आउटलाइन हो रही है, नोज़ वगैरह बाकी है हमारा अभी, तो ये देख लो नोज़ वगैरह भी कर लेते हैं अभी, नोज़ वगैरह भी देख लो आप। बहुत लोग बोलते हैं कि नोज़ का शेप नहीं आ रहा है, शेप नहीं आ रहा है, गाइस पहले आप अच्छे से देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, तो वैसे आप भी ट्राई करो, ज़रूरी नहीं कि मेरे इसमें जैसा नोज़ है वैसे ही आपके भी पिक में होगा, तो आपको बस मतलब मैं जैसा स्टेप बता रहा हूँ आपको वो स्टेप ध्यान में रखना है, तो आप कोई भी पिक पर अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख लो मैं ईयर्स वगैरह भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ये तो मेरे को बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था, पूरा ब्लर हो गया था, फिर भी मैं मतलब मेरे को तो क्या प्रैक्टिस हो गई है तो इसलिए मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ,
तो देख लो, अगर जिसको नहीं समझ रहा है कि ईयर कैसे ड्रॉ करने हैं, तो जैसा मैं कर रहा हूँ ना आप सेम वैसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एकदम प्रॉपर ईयर लगे हो। तो ये देख लो, मैं चेन वगैरह भी था थोड़ा सा, तो उसको भी बॉर्डर दे देते हैं हम लोग, आउटलाइन दे देते हैं। ये देख लो, तो इधर भी दे दिया, अभी आउटलाइन हो गई इधर की। तो यहाँ पर से ऊपर से मार देते एक लाइन, और नीचे से भी मार देते। हाँ, तो आप देखो अभी यहाँ पर का तो हो गया है काम, यहाँ पर थोड़ा रह गया है देखो। तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि कहीं रहने का गया हो, तो फिर उसके बाद में चेक हो गया होगा तो फिर आगे का स्टेप करो। अभी देखो क्लोथ्स के ऊपर मैं लाइनिंग वगैरह कितने डिटेल तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको भी सेम ऐसा ही करना है। क्योंकि ऐसा अगर आप छोटा छोटा सा डिटेल एकदम प्रॉपर तरीके से दिखाओगे ना, तो आपका वर्क एकदम क्वालिटी वाला वर्क हो जाएगा। तो एकदम मतलब लोग बोलेंगे प्रोफेशनल आर्ट वर्क हो गया ये, तो प्रोफेशनल वाला आर्ट वर्क कहाँ से सीखा भाई, मेरे को भी बताओ। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। और वीडियो लेट आता है तो उसका पीछे कुछ कारण रहता है गाइस। मेरे घर पे वीडियो नहीं बना पाता हूँ ज़्यादा, मेरे को टाइम नहीं मिलता है, और मैं कुछ भी नहीं दिखा सकता हूँ। मेरे को जो आएगा, मैं जो अच्छा मतलब बेस्ट होगा मैं वही आपको दिखाऊंगा, मैं सब कुछ भी नहीं दिखा सकता हूँ। तो उतना उस बात को समझो, इसलिए वीडियो लेट आते हैं। तो ठीक है, और बाकी देख लो अभी आउटलाइन पूरा कर लेते हैं, थोड़ा ही बाकी है, अभी इधर से भी कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। तो ये देख लो गाइस, इधर भी थोड़ा लाइनिंग वगैरह दिख रहा था तो मैंने इधर भी ड्रॉ कर लिए। ये देखो, तो ये मेरे लाइनिंग आउटलाइन मतलब अच्छे से ड्रॉ हो चुकी है लगभग। तो देखते हैं और छोटी छोटी डिटेल। अच्छा, ये हैंड बाकी, अभी तो ये हैंड को भी कर देते आउटलाइन। तो ये देखो, प्रॉपर तरीके से करना है आपको ऐसा, मतलब इसमें ना लासो ब्रश लेजी टूल मत यूज़ करना, टैपर्ड ब्रश ही यूज़ करो। उस पर मतलब उस पर ही प्रैक्टिस करो। पहले मैं लासो ब्रश और लेजी टूल यूज़ करता था, बट उससे मेरी फिनिशिंग उतनी खास नहीं आ रही थी। तो अब जबकि मैं टैपर्ड ब्रश यूज़ कर रहा हूँ तो अच्छी फिनिशिंग आ रही है। तो आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि टैपर्ड ब्रश ही यूज़ करो ऐसा हैंड वगैरह की आउटलाइन के लिए, और जहाँ लाइन वगैरह हो वहाँ पर तो टैपर्ड ब्रश ही यूज़ करना है। ठीक है, तो ये देख लो, पेन टूल भी यूज़ कर सकते हो आप, बहुत से लोग पेन टूल भी यूज़ करते हो, उससे और ज़्यादा डिटेल आएगा बट टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर आपको टाइम दे सकते हो तो पेन टूल यूज़ करो, या तो फिर अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है मेरे जैसा तो फिर आप टैपर्ड ब्रश यूज़ कर सकते हो। तो आय वगैरह भी ड्रॉ कर लिए, ये देखो आय वगैरह भी ड्रॉ हो चुकी है मेरी, वो जो आउटलाइन में है खाली उतना ही हमको ड्रॉ करना है। तो ये देख लो, ड्रॉ हो चुका है अच्छे से। तो ये देखो, इधर थोड़ा सा मैंने ब्लैक कलर की ओपेसिटी कम करके इसको शेडो देने की कोशिश की है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो अगर आपके इसमें होगा तो, मतलब ज़्यादा अगर मतलब एकदम लाइट होगा, मतलब लाइट वगैरह अच्छी आ रही होगी तो मत करो, बट अगर ऐसा होगा तो कर सकते हो आप, अच्छा लगता है वो। तो ये देख लो, मैंने भी कर लिया है, यहाँ पर लगा मुझे थोड़ा सा और थोड़ा सा ऑपेसिटी कम करके देना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा, स्टे ट्यून्ड।